है किसानों को सोयाबीन का बीज वितरण। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में कृषि विभाग के कार्यालय में शासन के आदेश अनुसार क्षेत्र के लघु एवं सीमांत कृषकों को विधायक महाराज राजवर्धन सिंह द्वारा निशुल्क सोयाबीन का बीज का पैकेट वितरण किया गया। इस दौरान क्षेत्र के 50 किसानों को बीज वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ कृषि विभाग के अधिकारी एवं ग्रामीण किसान मौजूद थे। देखिए पूरी खबर मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। ये ऑनलाइन हर चीज हो गई है आजकल, और ऑनलाइन के माध्यम से हमारे किसानों को सारी जानकारी मिल जाती है। जनपद सदस्य हमारे बैठे हुए हैं, कुमार पटेल साहब भी हैं, और हमारे किसान लोग भी हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो जैसा आपको मालूम है लगातार पिछले 18 साल से किसानों के हित में काम कर रही है और करते भी रहेंगे, क्योंकि आज जो किसानों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और किसानों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। न केवल ये कृषि विभाग के ऑनलाइन के हैं, किट बांटना है, पिछले साल क्या बांटा था अपन ने, बांटी तो कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता ही रहता है, और हमारी सरकार किसानों के हित में ही काम कर रही है। और जैसा अभी आपको सबको मालूम है कि जो हमारे किसान सम्मान निधि मिलती होगी आप लोग को, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 4,000 दे रहे थे, उनने 2,000 और बढ़ा दिए हैं, तो 12,000 रुपए साल किसान सम्मान निधि आ रही है आपको। लाडली बहना में 12,000 रुपए साल महिलाओं का आएंगे, घर में एक हो दो हो, तो इस प्रकार से देखिए एक आर्थिक उन्नति। आप लोग मेहनत करते हो, अन्नदाता हो, सब उगाते हो, अर्थव्यवस्था चलाते हो, अनाज देते हो, पैदा करते हो, मगर सरकार का भी फर्ज होता है कि जो हमारे किसान भाई परेशान न रहे। बीमा भी मिल गया, कुछ जगह नहीं मिला है अभी, याद मत दिलाओ भाई, अधिकांश मिल गया है, वो कुछ हल्के झूठ गए हैं, अब उसके लिए भी कलेक्टर साहब बात कर रहे हैं। तो बीमा का मामला ऐसा है कि अपन ने गाड़ी का बीमा करा लिया उसका भी देना पड़ता है, खेती का बीमा करा लिया उसका भी देना पड़ता है, और जो फसल खराब होती है उसका बीमा मिल जाता है। और सरकार अब कहते हैं कि साहब पूरी फसल खराब हो गई, तो जब पूरी फसल खराब हो गई तो मंडी में इतने ट्रैक्टर कहाँ से आ रही है, तो वो सब वही अपन जानकारी लेना पड़ती है सरकार को, सरकार के भी सब लगे रहते हैं एजेंट के साथ कहाँ क्या हुआ है। तो इस प्रकार से सरकार जो सरकार ने भी दिया है कि लाडली बहना में 12,000, वृद्धा पेंशन 1,000 रुपए कर दी, वो 12,000 रुपए साल हो गई, तो एक सरकार की तरफ से तोहफा होता है कि क्योंकि आजकल किसान हर आदमी परेशान रहता है आर्थिक रूप से, फसल खराब हो गई, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, तो एक टोकन जेब में रहता है, तो ये आज खर्चे के लिए 1,000, 2,000, 4,000 जेब में पड़े हुए हैं। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जो बीमार होते हैं, अस्पताल में भर्ती रहते हैं, उनके लिए रोजाना 5 दिन चिट्ठी में लिखता हूँ, भगवान न करे लोग बीमार हो, मगर फिर भी उनको सहायता मिलती है 40,000, 50,000।